वो रात इस शब्द का टाइटल। पूरी रात दोनों वहीं एक दूसरे का हाथ थामे बैठे रहते हैं और जब भी डॉक्टर्स बाहर आते हैं उनसे सनाए के बारे में पूछते और डॉक्टर बस इतना कहते कि अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वहीं राहुल राघव के घर से निकलकर हॉस्पिटल ना जाकर सीधे अपने घर की तरफ रुख करता है। वहां पहुंचकर वो शराब की बोतल खोलकर बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बस शराब की घूंट पर घूंट पिए जा रहा था। राहुल, ये क्या हो गया? कितने नीचे गिर गया हमें कि एक मर्डर की साजिश रची है और गुस्से में सामने पड़ी कांच पर अपना हाथ दे मारता है। कांच टूटकर चकनाचूर हो जाता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है, पर वो इन सबसे बेफिक्र वहीं बैठकर शराब पीता रहता है। सुबह करीब 4 बजे हॉस्पिटल में अभिनव बोला, यार अभी तक राहुल नहीं आया। और फिर वो राहुल को फोन करता है। राहुल जो कि शराब के नशे की वजह से अभी अभी सोया था, फोन की आवाज सुनकर तुरंत उठकर बैठ जाता है और फोन पिक करता है। हाँ बोला अभी। कहाँ है भाई तू अब तक? आ रहा हूँ। तूने शराब पी रखी है? कहाँ है तू बता, मैं अभी आता हूँ। नहीं नहीं अभी मैं ठीक हूँ, तू वहीं रुक। भाई मैं आ रहा हूँ तुझे लेने। भाई अभी मैं कैब से आ जाऊंगा, तू चिंता मत कर। सनाया कैसी है? पहले से बेहतर है, डॉक्टर्स चेकअप वगैरह कर रहे हैं। ठीक है मैं आता हूँ। और फिर फोन काट देता है। उसके बाद वो उठकर फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर पट्टी करता है और फिर कैब बुक करके हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। पूरे रास्ते उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ उदासी थी। कई बार उसकी आंखें नम हो जाती पर वो खुद को संभाल लेता और कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अभिनव बोला, ये चोट कैसी लगी तुझे? छोड़ना यार, ये बता सनाया कैसी है? ठीक है वो तो, पर तू बता सच्चाई क्या है, कैसी लगी ये चोट तुझे? वो शराब ज्यादा हो गई थी तो कांच में हाथ लग गया। अभिनव कुछ नहीं बोलता और साइड में जाकर बैठ जाता है। दोनों सुबह तक वहीं बैठे रहते हैं। अगली सुबह के वक्त राहुल डॉक्टर से मिलने जाता है। डॉक्टर बोला, पेशेंट आपकी कौन है? मैं इनका फैमिली मेंबर हूँ। राहुल ने कहा, तो आप लोग कैसे इंसान हैं, इनको अभी तक घर पर रखा था? पता भी इनकी हालत कितनी खराब है। सॉरी डॉक्टर। डॉक्टर बोला, देखिए हमें नहीं पता कि आपका इनसे क्या रिश्ता है, पर इतना याद रखिएगा कि अगर इनकी अच्छे से देखभाल नहीं हुई तो शायद आप इन्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दें। राहुल की आंखें नम हो जाती हैं। डॉक्टर बोला, हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा, बस आप लोगों को इनकी देखभाल अच्छे से करनी होगी और दवाइयां वक्त पर देते रहिएगा। जी डॉक्टर। और हम इन्हें घर कब तक ले जा सकते हैं? डॉक्टर बोला, डिपेंड करता है कि इनकी बॉडी कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करती है। राहुल ने बोला, डॉक्टर आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप कुछ दिन इन्हें यहीं रहने दीजिएगा जब तक घर का माहौल ठीक नहीं हो जाता। ठीक है। और फिर राहुल डॉक्टर के केबिन से बाहर आता है। अदिति ने पूछा, क्या हुआ, उदास क्यों है? राहुल फिर उसे सारी बातें बता देता है और तीनों कुछ देर तक वहीं बैठे रहते हैं। इस बीच राहुल का फोन बजता है और राहुल बात करने के बाद, सुनो तुम दोनों यहीं रुक जाओ, मैं आता हूँ। पर कहाँ जा रहा है तू? जरूरी काम है। सनाया से भी जरूरी? अभिनव ने पूछा। हाँ। और बिना रुके वहां से निकल पड़ता है राघव के घर के लिए। अदिति ने पूछा, क्या हुआ इसे? मुझे क्या पता। इसी बीच नर्स आती है और दोनों से कहती है कि सनाया को होश आ गया है और अब दोनों उससे मिल सकते हैं। अभिनव राहुल को फोन करता है पर वो फोन पिक नहीं करता। क्या करें, सनाया सबसे पहले राहुल के बारे में पूछेगी। अदिति, देखते हैं। और फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। सनाया की नजरें राहुल को ढूंढ रही थी। अदिति सनाया के पास बैठ जाती और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। सनाया, राहुल आ जाएगा कुछ देर में, दरअसल वो काफी ज्यादा थक गया था तो उसे हमने जबरदस्ती घर भेज दिया आराम करने के लिए। सनाया बस सिर हिला देती है। अब तुम कैसी हो? ठीक, अभिनव ने बोला। और यूं ना उदास मत रहिए, हमारे भाई का क्या हो गया अगर आप यूं उदास रहेंगे तो? सनाया के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती और तीनों काफी देर तक साथ बैठे रहते हैं। वहीं राघव के घर पर, घर के अंदर पुलिस और बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। सबकी जुबान पर एक ही बात थी कि आखिर हुआ क्या है। राहुल अंदर पहुंचता है। हाँ क्या हुआ है? राघव घड़ियाली आंसू बहाते हुए, देखो ना राहुल क्या हो गया, पापा हमें छोड़कर चले गए, ऐसे बीच में मेरा हाथ छोड़कर कैसे जा सकते हैं वो? और रोने लगता है। राहुल उसे सांत्वना देता है और उसे अलग कमरे में ले जाता है। राघव बोला, यार झूठ का ड्रामा करना कितना बेकार है ना? राहुल बस सिर हिला देता है। इसी बीच कुछ पुलिस वाले दोनों से बात करने आते हैं। पूरे दिन घर के बाहर मीडिया वाले खड़े रहते हैं और राजवीर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए बाहर भेज दिया जाता है। पुलिस वाले बाहर आकर बयान देते हैं कि यह आत्महत्या का मामला लग रहा है और मीडिया के सवाल करने पर जवाब देते हैं कि इसकी वजह कुछ साफ नहीं है, पर शायद बिजनेस में लॉस और अपने बेटे के जेल जाने की शर्मिंदगी की वजह से उन्होंने इतना भारी कदम उठाया होगा। और कुछ हद तक मीडिया भी शांत हो जाते हैं। शाम के वक्त राघव, राहुल और जय एक कमरे में बैठे थे। वहां पर राघव जाम पर जाम पिए जा रहा था। अच्छा हुआ रास्ते से हट गया ये। राहुल कुछ नहीं बोलता और खामोश दोनों के साथ बैठा रहता है। क्या हुआ भाई, किन ख्यालों में? राघव ने पूछा। राहुल बोला,
कुछ नहीं बस, तो कुछ दिन अब शांत रहे, कहीं तेरी हरकतों की वजह से पुलिस को शक ना हो जाए। चिल मार, अब जो होना था हो गया, फिर भी आराम से रहे। और फिर राहुल वहां से उठकर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। उधर हॉस्पिटल में कई बार सनाया राहुल के बारे में पूछती है, पर दोनों हर बार कोई ना कोई बहाना बना देते थे। शाम के वक्त राहुल हॉस्पिटल पहुंचता है। राहुल बोला, सुनो तुम दोनों घर जाओ, कल से यहीं पर हो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। अदिति बोली, हम भी रुक जाते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, जाओ। और राहुल की जिद करने पर अभिनव और अदिति घर के लिए निकल पड़ते हैं। राहुल वॉशरूम जाकर पहले अपना हुलिया सही करता है और फिर मुस्कुराते हुए सनाया के पास पहुंचता है। राहुल को देखते ही सनाया खुश हो जाती है और उठकर राहुल के पास आना चाहती है, पर राहुल तुरंत उसके पास पहुंचकर उसे वहीं लेटे रहने को कहता है। कहां थे तुम अब तक राहुल? थोड़ा सा काम था और फिर थोड़ी देर रेस्ट कर रहा था। सॉरी, अब कैसे हो आप? ठीक हूँ। और फिर वो राहुल का हाथ पकड़ लेते हैं। राहुल वहीं पास में लगी चेयर लेकर उसके सिर के पास बैठ जाता है। दोनों ढेरों बातें करते हैं और बात करते करते ही सनाया नींद की आगोश में चली जाती है। राहुल काफी देर तक उसे निहारता रहता है और फिर सनाया के सिर के पास अपना सिर रखकर सो जाता है। वहीं घर पहुंचकर अदिति और अभिनव फ्रेश होते हैं और इसी बीच अभिनव दोनों के लिए डिनर ऑर्डर करता है। अदिति बाहर हॉल में आकर बैठ जाती है और अपना फोन निकालती है। सुबह से अर्जुन के कई कॉल्स और मैसेजेस आ चुके थे तो वो उसे फोन करती है। अर्जुन, कहाँ थे यार सुबह से? जानती भी हो कितना परेशान हो रहा हूँ। सॉरी यार अर्जुन, काम में फंसी हुई थी। बोल क्या हुआ? मिलना था तुझसे अभी, रात बहुत हो गई है यार, प्लीज मिल लेना यार, कुछ कहना था तुझसे, तो बोल ना अर्जुन। नहीं मिल लेना, मिलकर बात करते हैं, रुक जाती हूँ। और फिर शांत बैठ जाते हैं। अभिनव, क्या हुआ, परेशान क्यों लग रही है? अदिति, नहीं कुछ नहीं। इसी बीच दोनों का डिनर आ जाते हैं और दोनों डिनर खत्म करते हैं और इसी बीच दोनों के बीच खामोशी ही रहती है। डिनर के बाद अदिति बोले, अभी मैं आती हूँ थोड़ी देर में। कहाँ जा रही है? वो अर्जुन ने बुलाया है। ओह, तो वो आ रहा है यहाँ पर? नहीं, मैं कैब से जा रही हूँ। अभिनव बोला, कोई दिक्कत ना हो तो मैं छोड़ाता हूँ तुझे, वैसे भी रात बहुत हो गई है, क्यों परेशान होगा तू, छोड़ना मैं चली जाऊंगी। देख, परेशानी की कोई बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अब तेरी मर्जी, अदिति बोली। तू आराम कर, मैं चली जाती हूँ। अभिनव फिर उसके लिए कैब बुक करता है और अदिति अर्जुन के बताए जगह पर पहुंच जाती है। वो एक कैफे था और अदिति उसके अंदर जाती है। पूरे कैफे को अर्जुन ने सजा रखा था और अदिति हैरान होते हुए अंदर दाखिल होते हैं। सामने अर्जुन खड़ा होता है। अदिति बोली, ये सब क्या है अर्जुन? अर्जुन अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। आई लव यू अदिति, बहुत प्यार करता हूँ। अदिति हैरान परेशान से वहीं खड़ी रहती है। अर्जुन बोला, ये चुप ना रहो यार, डर लग रहा है मुझे, जल्दी से बोलो। अदिति बोली, अर्जुन पहले तू खड़ा हो जा और बैठकर बात करते हैं। अर्जुन के मन में डर बैठ जाता है और दोनों पास में लगे सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। बोल क्या हुआ? अदिति बोली, अर्जुन मैंने आज तक सिर्फ तुझे दोस्त माना यार। हाँ तो हम दोस्त तो है ही ना, और क्या दोस्तों के बीच प्यार नहीं हो सकता? अर्जुन मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। तो क्या बोलना चाहती है, साफ साफ बोलना यार, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अर्जुन को यह सुनकर धक्का सा लगता है। अर्जुन मेरी बात सुन, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अर्जुन कुछ बोलने की कोशिश करता है पर वो बोल नहीं पाता और उसका गला भर आता है। अदिति उसका हाथ पकड़कर बोली, अर्जुन छोड़ यार अदिति, वैसे तूने बताया नहीं कभी उसके बारे में, कौन है वो खुशनसीब। अदिति फिर उसे सारी कहानी बता देती है और फिर कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी पसर जाती है। कुछ देर बाद अर्जुन उस खामोशी को तोड़ता है। तुझे देर हो रही होगी। सॉरी यार अर्जुन, कोई बात नहीं। और फिर वहां से उठकर वो बालकनी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अदिति उसके पास जाती है। सुन तो सही यार अर्जुन। नहीं अदिति, बाय, बाद में बात करते हैं। अदिति कुछ कहना चाहती है पर अर्जुन उसे बीच में ही रोक देता है और वहां से जाने को कहता है। अदिति भारी मन से फिर वहां से घर के लिए निकल पड़ती है। पूरे रास्ते उसके दिमाग में अर्जुन की कही वही बातें घूम रही थी और वो उन्हीं ख्यालों में खोई हुई घर पहुंचती है। अभिनव अभी भी जागा हुआ था और अदिति की ही राह देख रहा था। फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अदिति चेहरे पर बिना किसी भाव के साइलेंट था और इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। अभिनव, इसे क्या हुआ है? अभी थोड़ी देर पहले तक तो इतना खुश थी, अचानक से क्या हो गया? और उसके गेट के पास पहुंचता है। क्या हुआ अदिति, तू ठीक तो है ना? अदिति खुद के आंसू पोंछती है। हाँ ठीक हूँ, मुझे नींद आ रही है, सोने दे। और फिर अभिनव फिर एक बार आवाज लगाता है, तू पक्का ठीक है ना? मत कर यार परेशान, अभी मैं ठीक हूँ। अभिनव फिर जाकर हॉल में बैठ जाता है। वहीं अदिति तकिए में खुद का मुंह दबा लेती है और रोने लगती है। क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? जिससे इतना प्यार करती हूँ उसे कद्र नहीं है और अर्जुन उसका दिल तोड़ दिया। कहीं ऐसा ना हो कि एक इतना अच्छा दोस्त खो दूं, कितना बुरा लग रहा होगा उसे। और बस रोती रहती है, रोते रोते जाने कब उसे नींद आ जाती है।
वहीं अभिनव भी काफी देर तक अदिति के बारे में ही सोचता हुआ जागता रहता है। अदिति के ख्यालों में खोए हुए वो वहीं सो जाता है।